हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं आज बहुत ही टाइम के बाद ट्रैवल कर रही हूँ, एयर ट्रैवल कर रही हूँ। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल पे, तो उस वीडियो के पीछे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे सवाल आए थे। तो मुझे लगा आज फिर से आपको बता देती हूँ फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल के स्टेप्स, और जो भी आपके क्वेश्चन थे साथ साथ में उसका जवाब देती रहूँगी। और पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो एक तो जब ये मास्क लगा के बोलते हैं ना तो सांस चढ़ जाती है, तो उन लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा है नीचे कि आपको सांस क्यों चढ़ गई, सांस क्यों चढ़ गई। तो मुझे पता नहीं आज भी चढ़ेगी कि नहीं, पर जब हम मास्क लगा के बोलते रहते हैं और उसके बाद चलते रहते हैं तो जो है सांस चढ़ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पर आ गई हूँ, तो मैं दूसरी साइड का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हैदराबाद एयरपोर्ट है। तो मैंने अपनी ट्रॉली ले ली है, ट्रॉली के अंदर है एक मेरा हैंडबैग जो मैं अपने साथ एरोप्लेन में लेके जाऊंगी, और ये रहा मेरा लगेज, मतलब इसको मैं जमा कराने वाली हूँ। तो ये रही मेरी पूरी ट्रॉली। तो अब मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने वाली हूँ। ट्रॉली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसके बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो अब मैं एयरपोर्ट में जा रही हूँ। तो ये लगी हैं मशीन्स, यहाँ से भी हम अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये QR कोड लगा होता है, तो यहाँ से हम अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने एंटर कर लिया है यहाँ पे। तो जो भी एंट्री गेट होते हैं, चाहे जितने भी एंट्री गेट हो, वो कॉमन एरिया में ही खुलते हैं, तो सारे इसी जगह पर गेट खुलेंगे। तो अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी एयरलाइन है ना, वहाँ पे जाके हमें सामान जमा कराना होता है। जैसे कि अब ये विस्तारा का दिख रहा है, पर मैं जा रही हूँ इंडिगो में, तो इसका मतलब मेरे को अब इंडिगो में जाना है। तो मैं अपना इंडिगो का काउंटर ढूंढूंगी, अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही हूँ। तो इंडिगो का जो भी काउंटर होगा तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। ये रहे सामने इंडिगो के काउंटर। तो जो लगेज जमा कराना है वो यहाँ पर जमा कराना होता है। तो आपका चेक इन बैग होता है, मतलब जो बैग जमा कराना होता है उसके अंदर आप बैटरी बैकअप नहीं लेके जा सकते हैं, वो अलाउड नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एरोप्लेन के अंदर लेके नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि उसे हमें हैंड बैग के अंदर रखना है। तो बैटरी बैकअप, ये सारी चीज़ें जो है हैंड बैग में रखनी है। हमारे बैग का जो है वेट चेक होता है, तो अगर ओवर वेट हो तो कई बार एक्सेसिव चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और इसके बाद जब हम बैग जमा करा देते हैं और सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रॉली अलाउड नहीं होती है, तो सिर्फ एक हैंड बैग ही होता है जो अलाउड होता है। सिक्योरिटी चेक है डोमेस्टिक एयरलाइन का, मतलब कि जो इंडिया के अंदर ही जाती है फ्लाइट, सिर्फ उसी के लिए सिक्योरिटी चेक है। मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी में, मतलब आप अपने हैंडबैग में नहीं लेके जा सकते, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। सिक्योरिटी चेक के बाद हम यहाँ पे निकलेंगे, तो यहाँ से सारे बोर्डिंग गेट आ जाएंगे। तो जो भी हमारा बोर्डिंग गेट होगा हमें वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे शुरू हो जाती है पूरी शॉपिंग। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है गेट नंबर 22 से 30 और 101 से 112। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अब मैं पहले आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। सबसे पहले तो अगर हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हम इंडिया में ही एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, जैसे कि मैं हैदराबाद से दिल्ली जा रही हूँ, तो मुझे पासपोर्ट की फिर बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पासपोर्ट नहीं लगता। पासपोर्ट तभी लगता है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। जैसे मैं अगर इंडिया से बाहर जाऊँगी तब मेरा जो है पासपोर्ट लगेगा। ये तो हो गया पहला सवाल। उसके बाद जो दूसरा सवाल, वो देखो एरोप्लेन उड़ रहा है पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलेगा ओके। उसके बाद दूसरा सवाल, जब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहे हैं, मतलब मैं इंडिया में ही कहीं पे जा रही हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ एक टिकट चाहिए होती है अपनी, और उसके बाद अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, जो कि मैं अपने लिए आधार कार्ड लेके आई थी। पर इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप फ़ोटो आईडी कार्ड की ज़ेरॉक्स चलती है या फोटोकॉपी चलती है। नहीं, आपको ओरिजिनल ही लेना होता है, ज़ेरॉक्स और फोटोकॉपी जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो जब हम काउंटर, हमने अपनी टिकट दिखा दी, अपना फ़ोटो आईडी कार्ड दिखा दिया, और तो हमें एंट्री मिल गई।
उसके बाद मैंने आपको दिखाई कि अलग अलग काउंटर हैं, तो हमने अपनी एयरलाइन का काउंटर ढूंढ लिया। मैं इंडिगो में जा रही हूँ इस बार, तो मैंने इंडिगो में गई, वहाँ पे मैंने अपनी जो मेरे मोबाइल के अंदर बोर्डिंग पास था वो उनको दिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट ले लें, अच्छा रहता है अगर प्रिंट आउट ले लें तो प्रिंट आउट ले लो बोर्डिंग पास का, और जो आपको सामान जमा कराना है वो सामान जमा करा दिया। उसके बाद हमें अब ट्रॉली छोड़ देनी है जो हमने शुरू में ली थी। अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पे ये बैग जो है जमा हुआ। तो मेरे बैग में लैपटॉप था, मोबाइल था, ये इसका स्पीकर था, तो ये सब मुझे निकाल के अलग ट्रे में रखना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो विजिबल होने चाहिए, फिर वो मशीन के अंदर स्कैन होती है, सब कुछ ठीक होता है, फिर हमें हमारा बैग वहाँ से मिल जाता है। फिर वहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट गेट्स बने हुए हैं, जहाँ से हमें एक्चुअली अपनी फ़्लाइट को पकड़ना है। जा रही है फ़्लाइट, वो रही एयर इंडिया की फ़्लाइट। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, हमें अगर कुछ खाना है वहाँ पे हम आराम से बैठ के खा भी सकते हैं, एरोप्लेन में भी खा सकते हैं, वॉशरूम जाना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पावर बैकअप जो है वो इस बैग में ही होना चाहिए जो हमें एरोप्लेन में अपने साथ लेके जाना है, और वो जरी उड़ गई फ्लाइट। और जैसे अगर मेरी 5:35 की फ़्लाइट है तो 5 बजे जो है बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, मतलब आधा घंटा से 40 मिनट पहले ही एंटर करना शुरू कर देंगे, तभी तो हम टाइम पे हमारी फ़्लाइट उड़ेगी ना। तो अगर 5:45 की फ़्लाइट है तो 5 बजे वो एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि शॉपिंग की मत करते रहना, और जो है अपनी टाइम पे, अपने जो आपका जो बोर्डिंग एरिया है वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाना। तो चलो अब मैं देखती हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है तो लॉन्च में चलते हैं। यहाँ पे पूरी फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो टाइम पे है, जो लेट है, तो सारी फ़्लाइट्स के नाम दे हुए हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट के अंदर पानी, एटीएम, वॉशरूम, ये सारी सुविधाएं होती हैं। और सामने है फूड कोर्ट, वहाँ पे जो है मोबाइल चार्जर्स भी लगे होते हैं, तो अगर हमारे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम वहाँ पे चार्ज आराम से कर सकते हैं, और हर एक पिन लगी होती है। तो अगर मुझे कोई दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहे सारे गेट नंबर, मेरा गेट नंबर है 101, तो वो सामने लिखा, तो मुझे सीधा जाना है अगर मुझे गेट 101 में जाना है। पर क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरा 5 बजे का, मेरा जो है 5 बजे का बोर्डिंग टाइम है, और अभी हुए हैं 3:30, तो मैं लॉन्च में जा सकती हूँ। और ये देखिए, अगर इंटरनेट करना है तो यहाँ पे वो भी काउंटर बना है, तो यहाँ पे अगर कुछ मेल चेक करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट आ गया तो आराम से चेक किया जा सकता है। तो ये पोर्टेबल पावर बैंक भी हम ले सकते हैं, मोबाइल ले लो, पावर बैंक चार्ज कर लो, उसके बाद यहाँ पे उसको वापस लगा दो। कि ये सामने लिखा है गेट नंबर 30 है, जो कि हमारी टिकट के ऊपर मेंशन होता है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो कौन से गेट से जाने वाली है। तो अगर आपकी फ़्लाइट जो है इस गेट से जाने वाली है तो यहाँ पे आपको आके बैठ जाना है, और जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से हमें फिर एंटर करना है। तो ये सारे लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट की, फिर ये यहाँ से एंटर करेंगे। मोबाइल चार्जर पॉइंट, तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अपना प्लग लगा दो और पिन लगा दो और आराम से मोबाइल को चार्ज करो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम एरोप्लेन के अंदर अपना खाना लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम एरोप्लेन के अंदर अपना खाना लेके जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी खा सकते हैं और एरोप्लेन के अंदर भी खा सकते हैं, वो बिल्कुल हमारी विश है। हाँ, कोविड में अगर कोई अवॉइड करना चाहता है तो वो बात अलग है, पर वो अब अलाउड होने लग गया है। प्रीमियम प्लाज़ा लॉन्च, ये आ गया एयरपोर्ट लॉन्च। एयरपोर्ट लॉन्च के अंदर आ गई मैं, यहाँ पे दूसरों की फ़ोटो नहीं बना सकते हैं तो अपनी बना सकते हैं बस। तो ये लॉन्च में बैठी हूँ मैं, तो ये यहाँ पे लगी हुई है ये लाइट, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये चार्जर जलाने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास HDFC का कार्ड है, तो अगर आपके पास ऐसे कोई प्रायोरिटी पास हो तो आप वो कार्ड दिखा सकते हैं। जैसे मेरे पास वो प्रिविलेज रिगालिया कार्ड है, तो उसमें सिर्फ 2 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे एंट्री के लिए, और अदरवाइज़ ये चार्जेबल होता है। और तो मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ और बाहर मिलते हैं आपसे। लॉन्च में लंच हो गया मेरा,
तो अब चलती हूँ अपनी गेट नंबर 101 पे, एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। मैंने एक्चुअली बोर्डिंग पास का उनसे प्रिंट नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है ले लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे टेंशन होती रहती है कि सही जगह जा रहे हैं कि नहीं। तो उधर सामने बोर्डिंग गेट नंबर, तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट में जितने भी 2-डिजिट गेट नंबर्स हैं ना, मतलब जिनका जैसे 23, 24, 25 ऐसे, वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और ये जितने भी 100 से स्टार्ट होते हैं, इसके लिए हमें नीचे आना पड़ता है। तो मेरा है गेट नंबर 101, तो यहाँ पे पहुँच गई मैं। तो लोग ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ से अब हम एंटर कर जाएंगे। तो ये मेरा गेट नंबर 101 आ गया। देखो, एरोप्लेन के अंदर एंटर करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय बस, बस जा रही है, और एक होता है एरो ब्रिज, मतलब डायरेक्टली हम ऊपर से ही सीधा ब्रिज के थ्रू प्लेन के अंदर चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर तो हम ऐसे बस में जा रहे होते हैं, तो फिर ये बेसमेंट में जो भी फ्लाइट्स नीचे हैं वो बस के थ्रू यहाँ से जाएंगी, और जो भी एरो ब्रिज वाली हैं वो ऊपर से ही जाएंगी। तो इसलिए अलग अलग उन्होंने गेट्स बनाया हुआ है यहाँ पर। हमें स्लिप मिल जाती है जब हमने अपना सामान जमा कराया था, तो ये हमें अपने पास रखनी है, ये हमारी निशानी है। तो इन केस अगर हमारा सामान इधर उधर हो जाता है, सपोज़ करो हम अपना सामान लेने के लिए जा रहे थे और हमें सामान नहीं मिला, तो ये स्लिप प्रूफ है कि हमारा सामान जो है ये हमें बिलोंग करता है, ये वो हमारा है, अदरवाइज़ तो कोई प्रूफ ही नहीं। तो जब तक हमें सामान नहीं मिलता, ये जो स्लिप है इसे हमें संभाल के रखना है। तो जब हमारा सामान आएगा वो एक बेल्ट पर आता है, तो जब हमारा एरोप्लेन उतरने वाला होता है, तो एयर होस्टेस जो है वो एरोप्लेन के अंदर अनाउंस करती है कि हमारा सामान जो है इस बेल्ट पे आने वाला है। तो हम उस बेल्ट पे जाके अपना सामान ले लेंगे, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अनाउंसमेंट मिस भी कर देते हैं, तो आप जब उतर रहे होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा सामान कौन सी बेल्ट पे आएगा, तो वो आपको बता देंगे कि हमारा सामान जो है इस बेल्ट पे आने वाला है। और ज़्यादातर जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे आप चलते रहिए, तो सामान मिल जाएगा। देखिए, व्हील चेयर सर्विस है, अगर किसी को चलने में मुश्किल हो रही है तो ये व्हील चेयर जो है आप इसमें आ सकते हैं। पोर्टर सर्विस इसको कहते हैं, तो वो आपको फ़्लाइट के अंदर चढ़ा देंगे। एक बार फ्लाइट में चेंजेस आ जाते हैं तो ये बोर्ड आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो कौन से टाइम पर चल रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था कि बेल्ट कैसे लगाते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ये रही बेल्ट का एक साइड, ये रहा बेल्ट का दूसरा साइड। तो क्या करना है, इसको ऐसे खोलना है, इसको इसके अंदर एंटर कर दो, ऐसे ये बंद होगी बेल्ट, और इसको टाइट करना है तो यहाँ से खींच लो, और जब इसको ओपन करना है तो यहाँ पे लिफ्ट लिखा है ना, इसको बस ऊपर कर दो, तो ये खुल गई बेल्ट। तो होप, तो ये सारे लोग एंटर कर रहे हैं एरोप्लेन के अंदर और अपना सामान रख रहे हैं ऊपर। बल्ब यहाँ से लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ब्रीदिंग कवर पीछे, ये लाइट ऑन कर। तो यहाँ कुछ खाना है तो ये सामने ट्रे, ये ट्रे इसको ऐसे ओपन करो, इसको खोलो, ये ग्लास रखने की जगह बनी है, जो भी आपको खाना है उसको खा लो। पर जब एरोप्लेन चल रहा होता है ना, तो ये सब चल रहा नहीं, मतलब फ्लाई ऊपर उड़ने वाला होता है, तो ये सब चीज़ों को ओपन नहीं करना, तो उस टाइम इसको बंद ही करके रखना होता है, ऐसे इसको बंद करके रख दो, बस बंद हो गया। आपको वॉमिट सेंसेशन होती है, तो इसके अंदर एक बैग भी होता है, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा बैग होता है, आप उस बैग के अंदर जो है वॉमिट आराम से कर सकते हैं, और वॉशरूम भी होता है इसके अंदर। हमने ये विंडो सीट पे कोई आया नहीं है, तो ये रहा बाहर का नज़ारा, फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी धूप है, और ये रहा इसका नज़ारा। तो फिलहाल प्लेन में बैठेंगे हम दिल्ली तक, फिर दिल्ली एयरपोर्ट में देखेंगे कहाँ से अपना सामान लेना और कैसे लेना है। पहुँच गए हम दिल्ली एयरपोर्ट, तो रात हो गई है, रात के बज गए हैं 8, तो अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बस जिसमें हम बैठ के अब दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले हैं। ये आ गया दिल्ली एयरपोर्ट। तो अभी यहाँ पे ये देखिए लिखा है बैगेज, तो मैं अपना बैगेज लेने जा रही हूँ। सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, और हमारी बेल्ट नंबर 3 उन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो अब मैं अपनी बेल्ट नंबर 3 पे जा रही हूँ, जिसे वहाँ पे सामने लिखा है बेल्ट नंबर 1, 11 लग रहा है, पर एक्चुअली वो 1 है।
अब मैं जा रही हूँ बेल्ट नंबर 3 में अपना बैग लेने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पूरी सामने थी। वो रही बेल्ट नंबर 3। तो लोग ऑलरेडी पहुँच गए, तो यहाँ से अब हमारा सामान आना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, ये सामने लिखा भी हुआ है कि हैदराबाद से जो फ्लाइट आई है उसका सामान यहाँ पे आएगा। सामान आ रहा है, ये आ गया मेरा बैग। तो ये मैं अपना बैग ले लेती हूँ। ये लो आ गया फ्रेंड्स, मैंने अपना बैग ले लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा जो पिछले वीडियो में कमेंट्स के द्वारा पूछा गया था। पर अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और काफ़ी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में पूछते हैं, जब तक अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से तो कोई विचार नहीं है जाने का। हाँ, अगर बनता है तो तब इंटरनेशनल ट्रिप का जो है वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप में क्या होता है, हर जगह का अपना अलग हिसाब होता है, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से होता है। चलो आपको थोड़ा सा दिल्ली एयरपोर्ट दिखाती हूँ। ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट पे आप बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, शटल बस सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए।